ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਲਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ अमृतसर पंजाब विखे मुगल सम्राज वेले होया। बचपन तो उन्हां दा नाम त्यागमल सी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्हां दे पिता जी अते माता नानकी जी सन। उन्हां दा विआह भाई लाल चंद दी सपुत्री माता गुजरी जी नाल 1634 ईस्वी नूं होया। उन्हां नूं विआह तो 32 साल मगरों पुत्तर दी दात प्राप्त होई। गुरु तेग बहादुर साहिब जी निमता दे पुंज ते मन नीवा मानी उच्ची दे धानी सन। इतिहास मुताबक जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने पिता जी दे सामने बैठदे तां अखां नीवियां कर लैंदे। एक बार दरबार अंदर बैठी संगत ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं पुछिया कि गुरु जी आप जी दे लाल आप जी दे सामने हमेशा अखां नीवियां करके बैठ जाते हैं, तो अगर गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उत्तर दिता जिस नूं अंदर दे सारे अगुणा का पता हो उसके सामने नेत्र नहीं चुके जाते। उन्होंने 1664 ईस्वी में गुरियाई प्राप्त हुई। आप जी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के छोटे पुत्र सन। आप जी बचपन तो ही बैरागी ते उपराम तबीयत के मालिक सन। 1664 ईस्वी में गुरियाई गद्दी मिलन उपरंत अपने आनंदपुर साहिब नूं अपना स्थान बनाया। गुरु जी बचपन तो ही संत स्वरूप अडोल चिंत गंभीर ते निर्भय सुभाअ दे मालक सन। गुरु जी कई कई घंटे समाधि विच लीन होए बैठे रहिंदे हन। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे ज्योति जो समाउण बाद आप पिंड बकाला आ के उत्थे 20 साल भोरे विच बैठ के सिमरन करदे रहे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप जी नूं विद्या अपनी देख रेख हेठ दवाई। आप जी सुंदर विद्वान सूरबीर शस्त्रधारी ते धर्म ते राजनीति विच निपुण सन। 1634 ईस्वी विच आपने अपने पिता जी नाल मिल के करतारपुर दे युद्ध विच अपनी तलवार दे जोहर विखाए। 1635 ईस्वी विच करतारपुर दी लड़ाई विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इन्हां दी बहादुरी नूं वेखदियां होइआं आप दा नाम तेग बहादुर रख दिता, जिसदा अर्थ है तलवार दा धनी है। बाबा बकाले तो बाद आप किरतपुर पुजे ते फिर कहलूर दे राजे तो जमीन खरीद के आनंदपुर साहिब शहर वसाया ते फिर उस जगह ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने खालसा पंथ की साजना की। उस समय मुगल सम्राट बादशाह औरंगजेब के हुक्म अनुसार कश्मीर का सूबेदार शेर अफगान तलवार के जोहर नाल कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बना रहा सी। कश्मीर दे दुखी पंडित गुरु जी कोल फरियाद लैके आए ते कह आखन लगे जेकर कोई महान व्यक्ति अपनी कुरबानी देवे तां साडी रक्षा हो सकती है। उस वेले बाल गोबिंद राय जी कोल बैठे सन ते आखन लगे पिता जी तुहाडे तो वड्डा होर महान व्यक्ति कौन हो सकता है। बाल गोबिंद राय दे कहन ते आप तिलक जंजू की रखवाली लई अपने साथियों समेत दिल्ली पहुँचे। आप नू ते आदे साथियों नू आगरे विच गिरफ्तार कर लिया गया। आप द्वारा हुकूमत की नीति अनुसार इस्लाम धर्म कबूल ना करन करके चांदनी चौक की कोतवाली विच आप नू अनेक कष्ट दिते गए। आप अडोल रहे। गुरु जी की दृढ़ता देख हाकमा ने पहला आप ते सिख साथियों नू शहीद किया। भाई सतीदास जी नू आरे नाल चीर दिता गया। भाई सतीदास जी नू रूह विच लपेट के साड़ दिता। भाई दयाले जी नू उबलदी तेग विच पा के शहीद किया। गुरु जी शहीदी देण लई तैयार हो गए। गुरु जी जलाद ने आप दा सिर धड़ नालों वक कर दिता। इस तरह आपने सीस दिया पर सिर ना दिया। यह महान बलिदान नवंबर 1675 विच होया। इत्थे अजकल गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। आप जी का एक सेवक आप जी का धड़ लैके रुकाबगंज साहिब पहुँच गया जिथे आप जी के धड़ का संस्कार होया। भाई जैता जो दिल्ली चो गुरु साहब जी का शीश लैके आनंदपुर साहब पहुँचे। आनंदपुर साहब आप जी के शीर का संस्कार किया गया। अंत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर अर्थात समूह कायनात की इज्जत अनक दे रखवाले सन। धन्यवाद।